स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपने थंबनेल एंड टाइटल में पढ़ा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का यहां पे अब मेजर रोल सामने आ चुका है। बिल्कुल सही पढ़ा है। अभी 5 जुलाई 2023 को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक ऑर्डर पास करा है जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑफिशियल ऑर्डर मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन अप करके रखा हुआ है ताकि आपको एक एक चीज में जानकारी बिल्कुल थॉरली बेसिस पे बता दूंगा। जैसे कि आपको देख रहा होगा, इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस अक्षय एम सिवन वर्सेस एंड अनदर्स, ये केस हमारा बहुत टाइम से अभी पेंडिंग है। बहुत टाइम से ये केस हमारा कोर्ट के अंदर चल रहा है। एनरोलमेंट फीस के रिगार्डिंग यहां पर मांग करी जा रही है कि भाई जो हमारा पर्टिकुलर एडवोकेट एक्ट का सेक्शन नंबर 24 है वो बताता है कि यहां पर हर किसी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में, जो भी स्टेट बार काउंसिल है इंडिया की, जितनी भी स्टेट बार काउंसिल है उनके पास अधिकार है भाई वो एनरोलमेंट फीस केवल 750 रुपए का हर एक लॉ ग्रेजुएट से एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट कराने का चार्ज कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे सामने हुआ था ये पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट जज साहब, यहां पर जो अलग अलग स्टेट बार काउंसिल है ना, वो अलग अलग जो है कोर्ट अपना एनरोलमेंट फीस चार्ज करती है। कोई कोई 40,000 रुपए कर रही है, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 20,000, कोई 28,000, कोई 45,000, कोई 50,000 तक भी गई हुई है। अब हम लॉ ग्रेजुएट अगर कोई फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसका कोई एडवोकेट बनने का अधिकार नहीं है क्या? बस ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने मेजरली रेज करा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब, अब आप एक ये बात बताओ, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है, कोई लॉ ग्रेजुएट अपना हुआ है बहुत मेहनत से हुआ है लेकिन उसके बाद इतने पैसे नहीं है, 40,000 रुपए, 25,000, 30,000 रुपए केवल अपना स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट कराने के लिए, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है एडवोकेट बनने का, उसके पास कोई अधिकार नहीं है केस लड़ने का, उसके पास कोई अधिकार नहीं है अपना लीगल प्रोफेशन के अंदर अपना कैरियर बनाने का। सुप्रीम कोर्ट जज साहब के सामने यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था। अब ये केस चलता रहा था, फिर इसी दौरान यहां पर, और ये जो मैं आपको केस बता रहा हूं ना, ये अभी हमारा 5 जुलाई का, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना 5 जुलाई 2023। कोई मैं ऐसी कोई पिटीशन आपके सामने उठाकर आपको समझाने के लिए नहीं बैठ गया हूं, ये ऑफिशियल ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर की ये कॉपी है, याद रखिएगा। अभी पूरी कहानी बात करेंगे हम। तो यहां पर जो है हमारे जो जज साहब थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ये जस्ट नरसिम्हा जज साहब थे एंड मनोज मिश्रा जी हमारे जो जज साहब है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, इनके द्वारा ये बात करी गई थी। और पेटिशनर के किसको बनाया हुआ था, एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा, ये बताओ कौन है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, अभी जो ये बीएससीआई के चेयरमैन है, ठीक है, इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं जज साहब को बहुत बुरी तरह डांट लगाई है, अभी बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फिर हमारी सबसे पहली जो ये जब सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था तो सबसे पहली बार केरला हाईकोर्ट के सामने केस सामने आया था। तो केरला जो स्टेट के लॉ ग्रेजुएट थे उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी केरला हाई कोर्ट के अंदर कि जज साहब, यहां पर तो हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है 750 रुपए की एनरोलमेंट फीस चार्ज करी जानी चाहिए और हमसे तो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करी जा रही है, 20,000, 25,000 रुपए एनरोलमेंट फीस के। तो केरला हाईकोर्ट ने रिलीफ ग्रांट करी थी, केरला हाईकोर्ट ने बोला था ठीक है भाई, हम जो है सारे के सारे केरला हाईकोर्ट जो केरला के हमारे लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर जो केरला बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराना चाहता है, भले ही वो दूसरी स्टेट का हो लेकिन वो केरला स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराना चाहता है, उसको केवल और केवल 750 रुपए पे करने होंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये केरला हाईकोर्ट ने रिलीफ ग्रांट कर दी थी। फिर इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के अंदर भी पिटीशन फाइल हुई थी यही बात के यही बात को लेकर कि यहां पर जो हमारी तमिलनाडु स्टेट बार काउंसिल ना, वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रही है और कानून में तो 750 रुपए लिखा हुआ है, तो ये जो हमारे ने भी बात को माना कि हाँ भाई ये तो बहुत गलत बात कर रखी है, यहाँ पे तो जो तमिलनाडु स्टेट बार काउंसिल है ये बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रही है, मद्रास हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो मद्रास हाईकोर्ट ने फिर ये डायरेक्शन दी थी तमिलनाडु को, तमिलनाडु बार काउंसिल को, कि अपना रिस्पांस फाइल करो कि भैया क्या झोल चल रहा है यहां पर, जब कानून में इतनी फीस लिखी है तुम लोग इतनी ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हो। तो अभी यहां पे मुद्दा फाइनली रिलीफ पे आया नहीं है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर, यहां पे भी रिस्पांस मांगा है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट बार काउंसिल से। अब इसके बाद आगे बात शुरू नहीं हुई। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली जो है महाराष्ट्र, ये बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल भी अपना फीस बहुत ज्यादा चार्ज कर रही थी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15,000-20,000 रुपए वो भी चार्ज कर रहे थे और उन्होंने जो है पहले 7,500 रुपए फीस रखी हुई थी और फिर 2020 के अंदर इन्होंने फीस 7,500 से बढ़ाकर 15,000 समथिंग जो है फीस कर दी गई थी। अब इसके ऊपर भी लोगों ने अपना बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी थी कि देखो जज साहब, यहाँ पे कानून में तो 750 रुपए फीस लिखी हुई है और ये जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा है ये 15,000-20,000 रुपए हमसे चार्ज कर रहे हैं और पहले ये 7,500 रुपए चार्ज करते थे, अब इन्होंने सीधा बढ़ाकर दुगनी रकम कर दी है। तो एक जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी लॉ ग्रेजुएट की अच्छी नहीं होगी, तो यार एक क्वेश्चन इसका जवाब दे दीजिए कि वो अपना वकील बनने का अधिकार नहीं रखता है, बस इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए।
अब इसी दौरान यहां पर अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मनन कुमार मिश्रा जी, जिनका नाम मैंने यहां पे आपको नोटिस करवाया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक यहां पे पिटीशन फाइल करी कि जैसा साहब पूरे के पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स के अंदर हमारे ये एनरोलमेंट फीस के रिगार्डिंग जो ये इशू रेज हो रखा है ना, ये सारी पिटीशन आप उठाकर अपने पास बुला लो, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये सारी पिटीशन आप बुला लीजिए ताकि हम एक जगह पे सारा काम अपना सॉल्व कर सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं, और इससे पहले हम आगे बात करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जितने लॉ स्टूडेंट्स हैं, जितने यंग एडवोकेट्स हैं, इनफैक्ट जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको ना अपना कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते दौरान एक मुश्किल बहुत ज्यादा आती है, किस चीज की, यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, मेरे पास लीगल ड्राफ्ट नहीं है, और मेरे को कोर्ट के अंदर जो ड्राफ्ट लगाना है, एप्लीकेशन लगानी है, या कोई भी तरह का सूट फाइल करना है, कोई भी तरह की रिलीफ क्लेम करनी है, कोई भी हमारे सीपीसी के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जितनी एप्लीकेशन हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, प्राइवेट ऑफिसेज में, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में, किसी भी जगह कोई भी तरह की आपकी एप्लीकेशन लगेगी, पूरी इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, आप इंडिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो ना, ये सारे ड्राफ्ट आपके लिए होना आपके पास एज एन एडवोकेट के तौर पे, जूनियर एडवोकेट हो या सीनियर लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए एक चीज प्रोवाइड कराई है, केवल और केवल 499 रुपीस आपको पे करने हैं, केवल और केवल 499 आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे चेक करोगे ना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, आपको बस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जैसे ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा ये 4000 प्लस लीगल ड्राफ्ट, और जैसे ही आप पे करोगे उसके बाद सारे के सारे ड्राफ्ट आपके सामने अनलॉक हो जाएंगे, आपके सामने जिप फाइल आएगी, जिप फाइल के अंदर आपको कम से कम 2500-3000 तो आपको ड्राफ्ट ये कोर्ट के होंगे, बाकी जो 1000 ड्राफ्ट जो बचे हुए हैं वो आपके अनदर आपके ड्राफ्ट मिल जाएंगे, जिप फाइल होगी। अब इन जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है अपने वर्ड फाइल के अंदर, तो एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है वर्ड फाइल के अंदर, इसकी भी मैंने वीडियो जो है अपने एप्लीकेशन के पोर्टल के अंदर लगा रखी है कि आप आराम से देख सको अपना मोबाइल के अंदर ओपन अप करके, मैंने सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी हैं और 100% एक्यूरेट होंगे, 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल, याद रखिएगा। तो ये मौका ज्यादा टाइम के लिए नहीं बचा है, कुछ टाइम में मैं ये ऑफर जो है हटा दूंगा, याद रखिएगा। जो लोग अभी के अभी ये बैच ले लेंगे और अपना ये लीगल ड्राफ्ट अपना अवेल कर लेंगे, बढ़िया बात रहेगी। बाकी आप लोगों के लाइफ के ऊपर बात है कि अगर आपको लगता है कि मेरे को कहीं और से मेरे को अरेंज हो जाएंगे, कहीं और बंदों के पास हैं, तो ये आपकी मर्जी है, बट मेरे मुताबिक इससे बढ़िया सौदा आपको नहीं मिलेगा, आपके पास सारे ड्राफ्ट आ जाएंगे। चलो हम आगे मुद्दे की बात करते हैं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एप्लीकेशन फाइल हुई थी ना, ये जो बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब हैं मनन कुमार मिश्रा जी, इन्होंने ना एप्लीकेशन लगाई थी जैसा सारी पिटीशन को उठाकर अपने पास बुला लो। यहां पे जो सीजेआई साहब थे उन्होंने बोला, मिश्रा जी आप बहुत बड़े खतरे में हो, क्यों? क्योंकि जब स्टेट बार काउंसिल अलग अलग फीस चार्ज कर रही थी इतने सालों से, जब आपने नोटिसेबल क्यों नहीं करा, आपने कोई अपना कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया, आपने स्टेट बार काउंसिल के लिए कोई यूनिफॉर्म फीस का रूल क्यों नहीं बनाया, तो आप बहुत बड़े खतरे में हो, याद रखिएगा। क्योंकि आप जो है वेलफेयर स्कीम का एक कंधे पे बंदूक रखकर आप बच्चों से जो है लॉ ग्रेजुएट्स से जो इतनी हाई फीस चार्ज कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और आप जो बात कर रहे हो ना कि भाई हाँ कि सारी पिटीशन हाई कोर्ट्स के अंदर उठाकर अपने पास बुला लो, भाई देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बस नोटिस जारी कराया भी सारे के सारे हाई कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स को कि भैया आपके पास जो भी पिटीशन है एनरोलमेंट फीस के रिगार्डिंग, वो आप ट्रांसफर करके हमारे पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर करा है, अब वो हाई कोर्ट तक जितना पहुंचेगा वो देखा जाएगा। अब इसी दौरान यहां पे जो मनन साहब थे ना, मिश्रा जी साहब थे, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, इन्होंने एक और मांग करी कि सुप्रीम कोर्ट साहब आप जब ऑर्डर कर ही रहे हो ना, तो आप एक ऑर्डर और कर दो कि जो जितने भी हाई कोर्ट्स के अंदर एनरोलमेंट फीस के रिगार्डिंग अपना ये चल रही है पिटीशन चल रही है, तो इसमें स्टे लगा दिया जाए। तो लिखा हुआ है ना कि शॉर्ट फॉर द ऑर्डर टू स्टे द प्रोसीडिंग्स इन दी हाई कोर्ट की, जब तक जज साहब के पास सुप्रीम कोर्ट जज साहब के पास में ट्रांसफर होकर एप्लीकेशन ये पिटीशंस आएंगी, तो जब तक के लिए आप स्टे लगा दो। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम स्टे बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जिस हाई कोर्ट का जो मन करता है वो रिलीफ ग्रांट करेगा बच्चों के लिए, हम बच्चों का गलत यहां पे नहीं होने देंगे। तो जिस भी हाई कोर्ट को जो सही लगता है वो ऑर्डर पास वहां पे करेंगे। दूसरी बात, जब यहां पे ये नोटिस जारी करा है ना हमने ट्रांसफर पिटीशन का, तो यहां पे कोई भी हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन अभी ऑनगोइंग है उसको स्टे कभी नहीं लगाया जा सकता है, उसको एबियंस में करा जाता है। एबियंस का मतलब ये समझ लीजिए पॉज लगा दिया है, पॉज लगा दिया है, बात खत्म, होता है स्टे का ही है, बट एक लीगल टर्मिनोलॉजी में ना वर्ड का ही खेल होता है, जितने जिसको अच्छे वर्ड आते होंगे वही उतने ज्यादा अपना इंटरप्रिटेट लॉ को कर पाता है। तो पॉज लगा दे, बस पॉज लगा दिया, लगा सकते हैं हम, वो उसके बारे में पॉज लगाने के बारे में बात कर लेंगे, बट अभी हम नोटिस इशू कर रहे हैं ट्रांसफर पिटीशन के रिगार्डिंग, बात खत्म। तो यहां पे
मुद्दे वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस ऑर्डर में बात करिए, देखो कि नोटिस इशू जो है रिटर्नेबल होगा 17 जुलाई 2023 तक, और जो दस्ती सर्विस जो है ये परमिट कर दी गई है एडिशन के अंदर कि ट्रांसफर होकर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही आखिर में जो ये केस पेंडिंग है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अक्षाई वर्सेस एम सिवान का केस, इसकी सुनवाई एक साथ ही कर देगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वैसे ही बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पहले ही बोला हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भाई आप एक यूनिफॉर्म फीस क्यों नहीं लेके आते सारे के सारे स्टेट बार काउंसिल के लिए, दूध का दूध पानी का पानी वैसे हो जाएगा। अब आप कंधे पे वेलफेयर और स्कीम का कंधा बनाकर अपनी बंदूक तान रहे हो हाई एनरोलमेंट फीस चार्ज करने के लिए, बहुत गलत है। जहां पे अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था, मिस्टर मिश्रा यू आर इन ट्रबल, ये बहुत बड़ी लाइन है अपने आप में। तो जैसे हम आपस में बात करते हैं ना कोर्ट रूम के अंदर, जज साहब आपस में पेटिशनर से बात करते हैं, उसी वे में ये बोला है। रिटर्न के अंदर इसकी जरूरत नहीं थी, तो आपस में बात करते हुए 10 बातें बोली जाती है, 10 बातें सुनी जाती है, सीधी बात है। तो उसी सेंस में ये बात बोली हुई थी कि आप एनरोलमेंट फीस इतनी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते वेलफेयर स्कीम का अपना कंधा बनाकर, दैट्स इट। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और बहुत बड़ी चीज होने वाली है। इन शॉर्ट ये चीजें ऐसी कन्वर्सेशन देखने के बाद हमें लग पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे ही फेवर में जजमेंट आने वाले टाइम में देने वाला है, और एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए आने वाली है। बाकी देखा जाएगा, जब तक ऑर्डर नहीं आता जब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, शेयर जो बच्चा नहीं करेगा बहुत गलत रहेगा। प्लीज आपको अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में, ऑफिशियल जेन्युइन न्यूज, ऐसी उल्टी सीधी न्यूज कोई मत फैलाइएगा, जो जेन्युइन बात है केवल वही हम पब्लिक के अंदर फैलाएंगे। तो आप लोग प्लीज अपना वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।